भाई बहन के प्रेम उत्सव का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन इस बार 3 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस बार श्रावणी पूर्णिमा के साथ महीने का श्रावण नक्षत्र भी पड़ रहा है, इसलिए पर्व की शुभता और बढ़ जाती है। हालांकि इस बार भी रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है। भद्रा में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज राखी बांधने का अशुभ समय, उसे छोड़कर किसी भी वक्त राखी बांधना शुभ ही शुभ होगा। सोमवार 3 अगस्त की सुबह 9:28 तक भद्रा रहेगी। सभी बहनें सुबह 9:28 पर भद्रा समाप्त होने के बाद ही अपने भाइयों को राखी बांधे। भद्रा की समाप्ति के साथ ही सोमवार का राहु काल भी निकल चुका होगा। राखी का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 9:29 से है। इसके बाद दोपहर में राखी बंधवाने का शुभ मुहूर्त 1:46 से 4:26 तक है। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास ने बताया कि भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन इस बार बेहद खास होगा, क्योंकि इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि और दीर्घायु आयुष्मान का शुभ संयोग बन रहा है। रक्षाबंधन पर ऐसा शुभ संयोग 29 साल बाद आया है। साथ ही इस साल भद्रा और ग्रहण का साया भी रक्षाबंधन पर नहीं पड़ रहा है। इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि और दीर्घायु आयुष्मान योग के साथ ही सूर्य शनि के समसप्तक योग, सोमवती पूर्णिमा, मकर का चंद्रमा, श्रवण नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और प्रीति योग बन रहा है। इससे पहले यह संयोग साल 1991 में बना था। इस संयोग को कृषि क्षेत्र के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है। रक्षाबंधन पर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें पूजा की थाली सजाती हैं। इस पूजा की थाली में बहन जो 9 ग्रहों की सामग्री द्वारा भाई की खुशहाली मांगती हैं, 9 ग्रहों से यह प्रार्थना करती हैं कि उसके भाई को अन्न धन लक्ष्मी के साथ दीर्घायु और शुभ फल देना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए।